हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल रोशन शिंदे फिटनेस हब में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शीर्षासन। योगासनों में शीर्षासन को बहुत महत्वपूर्ण आसन माना गया है। इसको आसनों का राजा भी माना जाता है। तो शीर्षासन मीन्स सिर के बल खड़े होना। हम जब सिर के बल खड़े होते हैं तो हमारा रक्त प्रवाह ब्रेन की तरफ अधिकतर मात्रा में जाता है, तो हमारे बहुत सारे बीमारियों को हमें लाभ मिलता है। आजकल की बहुत लोगों की समस्या है बालों की झड़ना, आंखों की रोशनी कम होना और पेट संबंधित बीमारियां। इसका मुख्य कारण है कि गलत खानपान और बिजी लाइफस्टाइल की वजह से तो बहुत सारे लोग डिप्रेशन के भी शिकार हो रहे हैं। इसका एक ही मुख्य इलाज है, एक्सरसाइज और योगा। तो दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आपको योगा, एक्सरसाइज, स्टंट्स और मार्शल आर्ट्स की मूव सिखाने। तो नीचे दिए गए हुए रेड बटन को सब्सक्राइब करें और बगल में दिए गए हुए बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि हम नए वीडियो जब लाएंगे तो आप देख सकेंगे और आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि किसी भी स्टेप आप मिस ना कर सके। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कैसे शीर्षासन कैसे करते हैं और इनके लाभ क्या है और किन लोगों को नहीं करना चाहिए। इससे पहले आप थोड़ा वार्म अप कर लीजिए, गर्दन की एक्सरसाइज और कंधे की एक्सरसाइज। दो तीन बार क्लॉकवाइज और दो तीन बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, क्योंकि कोई भी इंजरी से हम बच सकते हैं। उसके बाद कंधों की एक्सरसाइज। तो उसके बाद हम कोई भी नीचे आसन डाल दो। उसके बाद हम अपने उंगलियों को इंटरलॉक करके नीचे आसन पर बिठा दो और दोनों हाथों के बीच गर्दन को रख लो और धीरे धीरे पैरों को उठाने का प्रयास करो। ऐसे धीरे धीरे करने का, ऐसे करते करते आप तो शुरू में आपको दिक्कत आ सकती है बैलेंस बनाने में, तो आप दीवार के सहारे लेकर आप इस शीर्षासन को कर सकते हैं। तो हम आज अभी बात करने वाले हैं इसके लाभ, क्या क्या लाभ है और किन लोगों को करना चाहिए और किन लोगों को नहीं। चलो, पहला लाभ है, लाभ नंबर वन, बालों की समस्या। आजकल की स्थिति में बालों की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है, महिलाओं में सबसे ज़्यादा पाई जा रही है और आजकल तो बच्चों में भी बहुत ज़्यादा पाई जा रही है। तो इस आसन को आप नियमित रूप से करते हैं तो एक महीने के अंदर ही आपको बालों को झड़ने की समस्या का लाभ मिल सकता है। और लोगों की समस्या है बालों का सफ़ेद होना, इस समस्या का भी हल हो निकल सकता है इस शीर्षासन की वजह से। एक महीने तक आप रेगुलर करें, इसके बाद आप इस समस्या से छुटकारा जल्दी ही पाएंगे। टू, आपके शरीर के ऊपरी हिस्सों को मजबूत बनाता है, जैसे कि कंधे, गर्दन और पीठ की रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है। लाभ नंबर थ्री, डिप्रेशन को दूर करता है। बहुत लोगों की समस्या है सिर दर्द, माइग्रेन पेन और डिप्रेशन, तो इससे क्या होता है हमारे ब्रेन की तरफ रक्त प्रवाह ज़्यादा जाता है, तो हमें इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। लाभ नंबर चार, आंखों की समस्या। आजकल इंटरनेट और मोबाइल की वजह से बहुत लोग और बच्चों की समस्या है आंखों की रोशनी कम होना और आंखों के चश्मे के नंबर बनना, तो और ज़्यादा एक समस्या है आंखों के नीचे कालापन। इस समस्या से थोड़े दिन आप नियमित रूप से इस आसन को करेंगे तो इस समस्या से भी छुटकारा पा सकते हैं। पेट की समस्या, ब्रेन की तरफ रक्त प्रवाह जाने से हमारे पाचन तंत्र को ये आसन मजबूत करता है और पेट संबंधी बीमारियों से हम छुटकारा पा सकते हैं। तो आप किन लोगों को नहीं करना चाहिए, जिसको हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम, सिर में चोट लगी हो और महिलाओं में
जो महिला गर्भावस्था में है उन महिलाओं को भी करना नहीं चाहिए। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मेरे कोई आपको सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो और मुझसे बात करने के लिए इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, रोशन सिंधे 1604 इस ID पे आप मुझे फॉलो करो। आप कोई भी आपका सवाल का जवाब मैं जल्द ही दूंगा। तो दोस्तों।